भाई पिछली बार हमने आपके रिश्ते की भी बात करी थी, अब कहाँ तक पहुंची, आगे बड़ी बात, अब कहाँ तक पहुंची फैमिली की। अच्छा अच्छा, मगर तुमने पॉडकास्ट रिश्ता ले आएगा मेरे लिए रिश्ते नहीं, लेकिन घर वाले तो पहुंचा देते हैं ना बात जल्दी। नहीं नहीं, वो तो कोशिश में है काफी ज्यादा, पर देखिए कुछ फोटो। पिछली बार तो आपने कहा था कि दादाजी ने बचा रखा है, दादाजी ने ही बचा रखा। अभी अभी भी अब दादाजी ने फोटो फोटो तो दिखा देते होंगे कि भाई फोटो देख, जैसे बायोडाटा खुद देख लेते हैं, मुझे नहीं, खुद तो देख लेते हैं, पर वही है कि उनको भी पता है कि अभी ठीक है, थोड़ा सा और वो चल रहा है, देखो भाई कब तक चलेगा। भाई अभी हम ओसीडी की बात कर रहे थे, आप एक चीज और बता रहे थे, मुझे नाम याद नहीं, कौन सा टर्म था वो, बहुत खतरनाक था यार, सिनेस्थीजिया। सिनेस्थीजिया यार, ये बड़ी फनी स्टोरी है। हुआ क्या, मैं ना ऐसे ही क्या कहते हैं, स्नैपचैट खुला हुआ था, और जैसे वो तीसरा पेज जो होता है ना जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें आती है उल्टी सीधी, उसमें एक आ रहा वियर्ड डिजीज़ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि भाई ये क्या क्या लोगों को होती है। मैं कब देखे तो क्या होती है भाई दिक्कतें, उसमें देख रहा है कई लोगों को नाम में कलर्स दिखते हैं, नंबर्स में कलर्स दिखते हैं, उनकी शेप्स होती हैं अलग अलग। मका इसमें क्या अलग बात है, मका ये तो होता ही है ये नॉर्मल नहीं है, मका ये तो नॉर्मल सी बात है, हर हर चीज़ में कलर तो लगता ही है। मैं तो नॉर्मल पूछ लेता था भाई, उससे पहले ये एक सर है गिटार वाले, वो अपना कुछ कंपनियां नाम नूम रख रहे थे, मैं उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मा कौन से कलर का नाम चाहते हो आप, अर्थी टोन्स का चाहते हो, पॉप चाहते हो, वो कह रहे हैं हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे भाई मुझे तब पता चला वो मुझे ही दिख रहा है। अच्छा। मुझे उससे पहले, और ये अभी हुआ है 1.5 साल पहले पता चला है मुझे। अच्छा। कि सिनेस्थीजिया जैसी कोई चीज़ है और वो है मुझे। अच्छा। और उसकी वजह से ये ऐसा होता है कि मेरे को हर नाम में अलग कलर होता है। अच्छा। हर मतलब कोई भी वर्ड है उसकी एक अलग शेप होती है कि ये एजी सा है, ये ऐसा है, वैसा है। तो भाई आपने शुभम में, आपने शुभम में तो बताया आपने येलो येलो कलर है, शुभम का मतलब येलो कलर, दीपक पीयूष का बताओ और अपना भी बताओ एक बार, विपुल में क्या देखते हो, वॉयलेट। वॉयलेट मतलब ये चीज़ें पता है कैसे होती है, ये हर जो सिनेस्थीसिया है ना जिसको, उसके लिए सब सबके लिए अलग होगी, ऐसा नहीं है कि कॉन्क्रीट वो। अच्छा, मतलब अलग अलग वैरायटी है। इसी के सिमिलर चीज मेरे को भी बचपन में थी, जो मैं बता रहा था कि भाई मुझे गाड़ियों में एक अगर ह्यूमन का नाम सोचा जाए तो मैं वो फिगर आउट कर लेता था, मुझे वो दिखता था, मतलब मैं ये पता नहीं क्या ही चीज है ये। नहीं नहीं, ये वही चीज है गाड़ियों में ह्यूमन का नाम देख रहा हूँ मैं, अभी है तेरे को, अभी है, मतलब मुझे बचपन में था तो मुझे याद है कि ये मैं करता था, अब तो नहीं, अब फिगर आउट नहीं करता, बट मुझे पता है कि हाँ माइनर लेवल पे सबके साथ होता है। मतलब कोई जैसे डिप्रेशन है, ठीक है, तो डिप्रेशन एक आदमी नॉर्मल भी उदास होता है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी सबको होती है, बट एक लेवल के बाद वो उसको प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करना कि मैं शुभम को यही देखूंगा, मेरे लिए शुभम येलो है तो येलो ही देखेगा मुझे, समझ रहे हो, मेरे लिए और कुछ नहीं है वो, तो वो तब उसको आप आइडेंटिफाई करोगे अच्छा ठीक है नहीं। अच्छा भाई बताओ ना पीयूष क्या दिखते हैं आप कलर, कलर पीयूष भाई, पीयूष पीयूष पिंकिश पिंकिश लगता है। अब ये देखो ये डिराइव कैसे होती है ना सिनेस्थीजिया में, कि सिनेस्थीजिया का मतलब है कि आपकी एक सेंस दूसरी सेंस से अटैच हो गई है। जैसे हमें कहीं पे भाई कोई बुरे समय में हमने कोई गाना सुना होता है तो वो गाने से ना वही वाइब्स आती हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई कोई अच्छे समय में पहाड़ों पे गाना सुना तो वो पहाड़ों वाली वाइब आती है उस गाने से, तो ये नॉर्मल है वैसे तो, मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट ये मेरे साथ थोड़ा ओवर पावर्ड है कि मुझे वही लगता है भाई, है चीज है तो हाँ है, जैसे 5 रेड है, समझ रहे हो, 7 फिर वही ब्लू वॉलेट वो वाले भाई, हाथ आदमी पढ़ लेते हो, अरे नहीं भाई कहीं हाथ में भाई को फ्यूचर दिख रहा है ये तो भाई बिल्कुल बेसिक साइंस है, ये तो मैं खुद घबरा गया था इस बात से, मैं कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है, इसमें क्या नया है भाई। तो पर ये है कि हाँ ये किसी चीज़ से इंटरप्ट नहीं करता है, हेल्प ही करता है चीज़ों में, आपको चीज़ें कोरिलेट इजीली हो जाती हैं, आपको याद चीज़ें थोड़ी सी रख लेते हो, मतलब मेमोरीज वाली चीज़ें जो याद होती हैं वो थोड़ी अच्छे से आपकी जुड़ी हुई होती हैं दूसरी तीसरी चीज़ से। कई लोगों को होती है जैसे म्यूज़िक में, इसमें कलर्स दिखना और अपना क्या होता है वो स्मेल, जैसे आपको कोई नंबर बताया तो मुझे एक टाइप ऑफ टेस्ट आ जाएगा, स्मेल आएगी, ऐसा भी होता है, मुझे वो नहीं है बट ये हाँ म्यूज़िक वाला और ये वाले नंबर्स ये सब में नाम नूम में कलर्स शेप्स उनकी। भाई मुझे तो वो है कि आँख खोलो, जैसे आँख खुल रही है अब, कभी कभार जैसे इधर उधर देखा तो
ब्लैक ब्लैक कुछ ऐसे ऊपर नीचे तैर रहा है। अबे सुन बे मेरी बात, तू यार समझदार लोगों की बात हो रही है भाई। कुछ लोग को ना ये भी होता है, मुझे मैंने सुना है, मैंने शायद स्नैपचैट पे ही देखा था, कुछ लोग ना साउंड्स के भी कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं, अपने माइंड में इमेज बनती है, ये साउंड ऐसे है तो इसका ये कलर होगा। होता है, वेव्स बन जाती है, वो बन जाती है साउंड के हिसाब से, शेप्स बनती है, वो भाई के भी बनती है तुम्हारे। तो वही चीज है कि वो आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी जुड़ी हुई है दोनों चीजों की, दोनों सेंसेस आपस में जुड़ी हुई है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती हैं दोनों चीजें आपस में। तो हाँ ये भी है, अपन मजे है भाई इस वाले पॉडकास्ट में। विलन भाई की एक और चीज नई डिस्कवर हुई, ये सही चीज भाई, छुपा रुस्तम आदमी है यार, कुछ ना कुछ नया है। अरे ये तो मेरे से भी छुपा हुआ था भाई, मुझे अब पता चला। सही है भाई, आपके साथ बात करके ना भाई बड़ा मजा आता है यार, क्योंकि हम आपसे कोई भी बात कर सकते हैं। और देखो इस पॉडकास्ट में हमने कितनी तरह तरह की मजेदार बातें करी, म्यूजिक की, हर जगह चले गए भाई, बॉलीवुड वॉलीवुड सब, सोलो ट्रिप्स की, भाई यार मजा आ गया। और ये एक जेन्युइन आर्टिस्ट के साथ ही हो सकता है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, सीजन 3 में दोबारा आ जाओ, और इस बार कुछ नया निकल जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, तुम निकालने वाले बात ना, निकाल क्या बहुत है। भाई ये बता दो अभी आगे क्या आने वाला है, आगे के जो 2 साल आपने सेट कर रखे हैं उसमें से पूरा नहीं तो ऑडियंस के लिए क्या बढ़िया बढ़िया इस साल का प्लान बताओ, कितने गाने आ रहे हैं और कब कब? अब इस साल में मतलब अगर अभी से साल शुरू करते हैं तो 5 गाने आएंगे, जो कि जिंदगी में पहली बार हो रहा है। और फिर अगले साल भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग है। अच्छा। तो ये है कि उसमें से हर तरीके की चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा या सिर्फ वैसा, ऐसी चीज़ें भी और वैसी चीज़ें भी है, वो बीच बीच में तुम्हें मिल जाएंगी जैसे भी आदमी को पसंद है। भाई कोई कोलैब भी देखने को मिलेगा? मिल सकता है भाई। पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ना ये भी बता दो, जो आपके कल्ट फैंस होंगे, जो आपकी रोज़ बाय डार्क्स पहनते हैं, आपने बताया था कि वो सोल्ड आउट हो गई है, उनके लिए नया कब आएंगे, नए आर्टिकल्स, नए डिजाइंस, नए सब कुछ कब आएगा कुछ बता? अभी तो यही है यार, अपन सिंपल आदमी हो, सिंपल ही चीज़ें बनाते हैं, उसी की नॉलेज है, तो अभी ऐसा कुछ तड़कता भड़कता तो आएगा भी नहीं उसमें। ये एक मैंने अपने लिए जीन्स बनवाई थी, बस ये अपने तक ही रख ली। तो ये भी प्लान है कि थोड़े टाइम में इसको भी करेंगे, कि अभी तो मन नहीं है मेरा, बट हाँ थोड़े टाइम में कि जब लोगों को अगर चाहिए होगी तो ये भी कर देंगे, तो ये मैक्स डिज़ाइन हो सकता है। बट यही प्लान है कि सिंपल प्योरेस्ट फॉर्म में हम एक ब्रांड को लाए, कि जिससे स्लो फैशन डेवलप हो भाई, फास्ट फैशन में रोज इतने कपड़े भर रही है दुनिया, अपना चुपचाप। ये पता है कौन सी शर्ट पहनी हुई है मैंने आज? ये जो एक रात में थी। अच्छा। ये वही शर्ट है, क्यों ढूंढे में भी यही शर्ट है, और किस गाने में होगी ये है, कारे हथियार में भी यही शर्ट है, जो उसकी जो छोटी वीडियो बनाई हुई है। इस शर्ट की तो भाई बहुत वैल्यू है, फिर इसकी वैल्यू है, इसकी एनएफटी करवा लो। और ये तुम्हें लग रहा हो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होगी, तो ऐसा भी नहीं है, ये फेड भी नहीं हुई है कब, 4 बार डाई करा ये। तो ये अपना क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास चलती है।